एंड दिस इज सी एस आदित्य सराफ, योर फ्रेंड, मेंटर एंड कोच. एंड आज अपन एकदम धमाकेदार रिवीजन करने वाले हैं कारो 2020 चैप्टर का. ठीक है, तो फटाफट कमेंट करके बता दो भाई, सुनाई दे रहा है कि नहीं, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, कमेंट करके बता दो. बाकी चलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन. ठीक है, नोट्स जो रहेगा ना वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं. जैसे ही अपना ये लाइव सेशन खत्म होगा वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा. तो वहां से आप क्या कर सकोगे, वहां से आप अगेन नोट्स डाउनलोड कर सकोगे. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सर, कारो 2020 कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट 2020, क्या चाहते हैं आप लोग? एकदम रैपिड रिवीजन करें अपन, फटाफट पूरा इंस्टेंट रैपिड रिवीजन करें, या फिर मीडियम स्पीड में रखें कि बहुत ज्यादा रैपिड भी ना हो और मतलब यू नो टाइम का ध्यान भी रखा जाए बट बहुत ज्यादा रैपिड भी ना हो. व्हाट डू यू वांट? चलो ठीक है, बैलेंस बना के चलेंगे बट थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली यार रिवीजन का ऑब्जेक्टिव भी वही है कि फटाफट यू नो चीजें रिवाइज हो सके. तो कंपनी ऑर्डर, ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020 काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है अपने लिए. 4 से 8 नंबर का क्वेश्चन मतलब पूछा ही जाता है, चाहे वो डायरेक्टली ना पूछे, इंस्टीट्यूट इनडायरेक्टली पूछे. हो सकता है कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे कारो 20 के ऊपर. आजकल देखने को मिला कि यार डायरेक्ट क्वेश्चन ना इंस्टीट्यूट थोड़ा कम पूछता है, बट इनडायरेक्ट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ सकता है. केस स्टडी के फॉर्मेट में पूछ सकता है, एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछ सकता है, या फिर किसी भी रेफरेंस के तौर पर कारो 2020 को यूज कर सकता है. इट कैन कम इन एनी फॉर्म. अब कारो 2020 अल्टीमेटली किस चीज के बारे में है? ये एक एडिशनल रिपोर्टिंग ऑर्डर है, राइट? कि व्हेन आई गो टू डू द स्टेट ऑडिट ऑफ द कंपनी, मेरे को क्या करना है सर, कंपनी के बारे में रिपोर्टिंग करनी है. अब अगर हम कह रहे हैं सर कंपनी के बारे में रिपोर्टिंग करनी है, तो रिपोर्टिंग का जो मेन सेक्शन है ना, रिपोर्टिंग का जो मेन सेक्शन है सर, वो सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 है, मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट. एंड 143 सबसेक्शन 3 में, इफ यू रिमेंबर, 9 पॉइंट्स तो अपने सेक्शन में थे, फिर 6 पॉइंट अपने रूल्स में थे, 15 से 16 पॉइंट का रिपोर्टिंग होता था 143 सबसेक्शन 3 के अंदर, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज टू बी रिपोर्टेड इन 143 सबसेक्शन 3, कारो 2020 के तहत भी रिपोर्टिंग होगा. कारो 2020 के तहत भी रिपोर्टिंग होगा और कुल मिलाकर 21 क्लॉजेस में रिपोर्टिंग होगा, कुल मिलाकर 21 पॉइंट्स में रिपोर्टिंग होगा, राइट? अब डिफरेंस क्या है 143 सबसेक्शन 3 के रिपोर्टिंग में एंड कारो 2020 के रिपोर्टिंग में? तो डिफरेंस ये है कि यार 143 सबसेक्शन 3 का जो रिपोर्टिंग था ना, वो तो सारी कंपनीज के ऊपर लगता था, इट वाज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज, जबकि कारो 2020 का जो रिपोर्टिंग रहेगा वो सिर्फ बड़ी कंपनीज के ऊपर लगेगा, पब्लिक कंपनीज के ऊपर लगेगा एंड सिलेक्टिव प्राइवेट कंपनीज के ऊपर लगेगा. तो कारो 2020 के तहत एज अ स्टेट ऑडिटर मेरे को सिर्फ तभी रिपोर्ट करना रहेगा अगर मैं किसी पब्लिक कंपनी का ऑडिटर हूं एंड सिलेक्टिव प्राइवेट कंपनीज का ऑडिटर हूं, जो बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनीज है. और बाकी कंपनीज के केस में मेरे को कारो का रिपोर्टिंग नहीं देना, लेकिन 143 सबसेक्शन 3 का रिपोर्टिंग जो है ना, वो सर हर कंपनी के केस में देना है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पब्लिक कंपनी हो. तो हर कंपनी के केस में मेरे को 143 सबसेक्शन 3 का रिपोर्टिंग देना है. अब देखना 143 सबसेक्शन 3 के तहत तो क्या करा लॉ मेकर में, 143 सबसेक्शन 3 के तहत लॉ मेकर ने क्या किया यहां पे? तो दे स्पेसिफाइड द रिपोर्टिंग मैटर्स. 143 सबसेक्शन 3 में सर रिपोर्टिंग मैटर्स क्या करें, स्पेसिफाई करें, है ना? अब एडिशनल रिपोर्टिंग मैटर्स स्पेसिफाई करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास पार प्रिजर्व करके रख ली 143 सबसेक्शन 11 के अंदर, और 143 सबसेक्शन 11 के अंदर उस पार को यूज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, एडिशनल रिपोर्टिंग मैटर प्रिस्क्राइब करा इन द फॉर्म ऑफ कारो 2020. एंड ये जो कारो है ये कोई बहुत नई चीज नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज है. पहले कारो 2003 हुआ करता था, फिर 2015 आया, फिर 2016 आया, एंड नाउ वी हैव कारो 2020 जिसके अंदर अपने को 21 के ऊपर रिपोर्टिंग करनी है. ठीक है, और ये जो कारो है ना सर, ये जो कारो है ना, ये 4 पैराज में डिवाइडेड है. द इंटायर कारो 2020 इज डिवाइडेड इनटू 4 पैराज. पैरा 1 दैट टॉक्स अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो, की कारो कौन कौन सी कंपनीज के ऊपर लगता है. पैरा 2 टॉक्स अबाउट ऑडिटर्स रिपोर्ट टू सर्टेन मैटर्स. पैरा 3 दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस, कि किन किन मैटर्स के बारे में अपन रिपोर्टिंग करेंगे. एंड पैरा 4 दैट टॉक्स अबाउट रीजन फॉर फेवरेबल ऑब्लिक अनफेवरेबल कमेंट. देखना क्या लिखा है सर, रीजन फॉर फेवरेबल ऑब्लिक अनफेवरेबल कमेंट. इसका मतलब सर सिर्फ अनफेवरेबल कमेंट होगा तब
तब रीजन बताएंगे, ऐसा नहीं है फेवरेबल कमेंट होगा तब भी रीजन बताएंगे, और चाहे फेवरेबल कमेंट हो चाहे अनफेवरेबल कमेंट हो, 21 क्लॉजेस के बारे में रिपोर्टिंग करनी ही करनी है, मैंडेटरी है। और इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर दो चीजें हैं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, एक है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो 2020 एंड दूसरा है व्हाट आर द मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन आर रिपोर्टिंग। तो ये दो बातें अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है सर। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो 2020, सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो 2020 कि कारो 2020 कौन सी कंपनीज के ऊपर लगता है, किन कंपनीज के ऊपर लगता है। तो सबसे पहले लॉ मेकर ने कहा कारो 2020 जो कि एक एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, ये सारी कंपनीज को एप्लीकेबल होगा इंक्लूडिंग ए फॉरेन कंपनी। ओ माय गॉड, सारी कंपनीज को एप्लीकेबल होगा, ये बोला सारी कंपनीज को एप्लीकेबल होगा इंक्लूडिंग ए फॉरेन कंपनी। इंक्लूडिंग ए फॉरेन कंपनी अलग से क्यों बोला, क्योंकि कंपनी के डेफिनेशन में फॉरेन कंपनी नहीं आता है, राइट। कंपनी का जो डेफिनेशन है ना सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर, दैट टॉक्स अबाउट ओनली इंडियन कंपनीज, दैट डज नॉट टॉक अबाउट फॉरेन कंपनीज, दैट टॉक्स अबाउट कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, जबकि फॉरेन कंपनीज आर कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। दैट इज वाई कंपनी का डेफिनेशन में फॉरेन कंपनी आता ही नहीं है, इसलिए अलग से बोला जा रहा है कि कंपनी इंक्लूड्स ए फॉरेन कंपनी। अब सबसे पहले क्या करते हैं कि सर सब कुछ एप्लीकेबल कर देते हैं, उसके बाद एग्जम्पशंस देते हैं। अपने घरों में भी यही होता है, पहले तो माँ बाप कहते हैं बेटा कुछ पढ़ाई कुछ भी पढ़ने के अलावा कुछ और नहीं करना है आपको, सिर्फ पढ़ना है, पढ़ने के अलावा कुछ और नहीं करना है। फिर जब आप बोलते हो कि सच्ची में क्या पढ़ने के अलावा कुछ और नहीं करना, तब जाकर वो एग्जम्पशन देते हैं आपको कि ठीक है बेटा थोड़ा देर मूवीज देख लेना, ठीक है बेटा थोड़ा बहुत घूमने फिरने के लिए बाहर चले जाना, ये वो। तो ठीक इसी तरीके से पहले तो बोल दिया सारी कंपनीज के ऊपर ये जो ऑर्डर है एप्लीकेबल है, और फिर कुछ कंपनीज को एग्जम्प्ट कर दिया। अब किन कंपनीज को एग्जम्प्ट कर दिया सर, बहुत सिंपल है, ये याद रखना कि एक ऐसी एसबीआई, एक ऐसा एसबीआई जिसका ब्रांच कोड 08 है, उसके ऊपर कारो 20 नहीं लगता है। एक ऐसा एसबीआई जिसका ब्रांच कोड 08 है सर, उसके ऊपर कारो 20 नहीं लगता है। वॉट इज एसबीआई 08? एस फॉर स्मॉल कंपनी, बी फॉर बैंकिंग कंपनी, आई फॉर इंश्योरेंस कंपनी, ओ फॉर ओपीसी एंड 8 फॉर सेक्शन 8 कंपनी। तो ये पांच कंपनीज के ऊपर क्या नहीं लगता है सर, कारो 2020 नहीं लगता है। और इसके अलावा कुछ ऐसे प्राइवेट कंपनीज भी हैं जिनके ऊपर कारो नहीं लगता है, जो कि चार कंडीशंस, जिनको चार कंडीशंस पूरी करनी होंगी। व्हाट आर द फोर कंडीशंस, व्हाट आर द फोर कंडीशंस, ठीक है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जो पहला शर्त पूरा करना है, वो पब्लिक कंपनी की ना सबसी हो ना होल्डिंग हो, वो पब्लिक कंपनी की ना सबसी हो ना होल्डिंग हो, मतलब पब्लिक कंपनी से कोई लेना देना ना हो। दूसरी चीज, उसका जो पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस है सर, वो 1 ईयर एक्सीड ना करे एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। तो पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस क्या ना करे सर, 1 ईयर एक्सीड ना करे ऑन द बैलेंस शीट डेट। तीसरा कंडीशन सर, जो टोटल बोरिंग्स है वो 1 ईयर एक्सीड ना करे फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अब ध्यान से देखिए का क्या वर्डिंग्स यूज कर रहे हैं यहां पे, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी पूरे फाइनेंशियल ईयर में कभी भी जो बोरिंग्स की लिमिट है सर, वो 1 ईयर एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर पूरे साल में पल भर के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी बोरिंग्स का लिमिट एक्सीड हो गया ना, कारो लग जाएगा। एंड चौथी कंडीशन सर, जिसका जो टोटल रेवेन्यू है ना, जो शेड्यूल 3 में डिस्क्लोज किया गया है, वो 10 ईयर एक्सीड ना करे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये चार कंडीशंस पूरा करेगा सर, तो कारो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा सर, यहां पे एक स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन, स्मॉल कंपनी के बारे में बातचीत की गई थी कि स्मॉल कंपनीज के ऊपर कारो नहीं लगता है। अब स्मॉल कंपनीज होती कौन सी कंपनीज हैं, तो स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन भी अपने लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले बोला सर, स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी अदर देन ए पब्लिक कंपनी, यानी कि एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है क्योंकि वर्ड मीन्स यूज हो रहा है। और बोला अदर देन ए पब्लिक कंपनी, मतलब पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं होगा जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 CR एक्सीड नहीं करेगा एंड टर्न ओवर 40 CR एक्सीड नहीं करेगा। जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना एक्सीड नहीं करेगा सर, 4 CR एक्सीड नहीं करेगा, टर्न ओवर 40 CR एक्सीड नहीं करेगा। पहले 2 CR 20 CR हुआ करता था, अभी इन्होंने लिमिट्स को इंक्रीज किया है। उसके अलावा बोला सर, कुछ कंपनियां स्मॉल कंपनियां नहीं होंगी। कौन सी कंपनियां स्मॉल कंपनियां नहीं होंगी, तो बोला कोई भी होल्डिंग कंपनी, कोई भी सबसी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं होगा। रीजन सिंपल है यार, होल्डिंग मतलब वो मेरे से बड़ा है, वो स्मॉल नहीं है। सबसी मतलब उसको होल्डिंग का सपोर्ट है, वो भी स्मॉल नहीं है। उसके अलावा अगर बात करें सर, तो जो भी कंपनीज रजिस्टर्ड है किसी स्पेशल एक्ट के तहत, वो भी स्मॉल कंपनीज नहीं है क्योंकि वो स्पेशल एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, क्योंकि वो स्पेशल एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, ठीक है जी। तो ये जो कंपनीज है वो स्मॉल कंपनीज नहीं है। एंड उसके अलावा सेक्शन 8 कंपनीज में स्मॉल कंपनीज नहीं है बिकॉज दोज आर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, तो वो चैरिटी का काम करती है, वो स्मॉल हो कैसे सकती है। तो ये कंपनियां स्मॉल कंपनीज नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया कारो का एप्लीकेबिलिटी, ये हो गया कारो का एप्लीकेबिलिटी। अब आता है सर कि कौन से 21 पॉइंट्स के बारे में अपने को कारो में रिपोर्टिंग करनी है, कौन से 21 पॉइंट्स के बारे में अपने को कारो में रिपोर्टिंग करनी है। याद करने का तरीका बड़ा आसान है, 21 क्लॉजेस अपन यहां पे याद करेंगे। आप ये याद रखना यार कि जिस पर्टिकुलर कंपनी का आपने ऑडिट एक्सेप्ट किया है ना, जिस पर्टिकुलर कंपनी का आपने ऑडिट एक्सेप्ट करा है ना,
अब देखना मेरे साथ जो जुड़े हैं, अंकित जुड़ा है, केशव जुड़ा है, सिद्धांत जुड़ा है, मेलविन, अश्मत, ज्योति, मैनी ऑफ देम, राइट, मैनी ऑफ देम। अब मान लेते हैं कि भाई जिस पार्टिकुलर कंपनी का मैंने ऑडिट एक्सेप्ट करा है ना, उसमें अंकित डायरेक्टर है, उसमें क्या है, अंकित डायरेक्टर है, ठीक है। अब उस पार्टिकुलर कंपनी के अगेंस्ट ना पीआईएल फाइल हुआ है। क्या हुआ है सर? पीआईएल फाइल हुआ है। क्यों पीआईएल फाइल हुआ है? क्योंकि अंकित ने क्या करा है, मतलब इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, पब्लिक डिपॉजिट लिया, पब्लिक डिपॉजिट लिया मगर कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करा, पब्लिक डिपॉजिट लिया मगर कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करा, स्टैचुटरी ड्यूज भी पे नहीं करे, पब्लिक डिपॉजिट लिया मगर कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करा, स्टैचुटरी ड्यूज भी पे नहीं करे, और इनकम्स को भी कंसील करा, इनकम्स को भी रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। तो पहले फ्लो में खाली इतना याद रखो, पीआईएल फाइल करा कंपनी के अगेंस्ट, डिपॉजिट लिया, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करा, स्टैचुटरी ड्यूज पे नहीं करे, इनकम्स रिकॉर्ड नहीं करा, उसके बाद मार्केट से पैसा उठाया था ना, जो मार्केट से पैसा उठाया था ना उसमें डिफॉल्ट करा। अब मार्केट से जो पैसा उठाया था ना उसमें डिफॉल्ट करा, डिफॉल्ट क्यों करा वो रीजन भी आपको मैं बाद में बताऊंगा कि जो मार्केट से पैसा उठाया था सर वो क्या करा, अंकित ने डिफॉल्ट करा, मतलब उस पार्टिकुलर कंपनी ने डिफॉल्ट करा, ठीक है, डिफॉल्ट इन द लोन्स, डिफॉल्ट इन द लोन्स। उसके बाद सिर्फ मार्केट से पैसा नहीं उठाया, सिर्फ बैंकों से पैसा नहीं उठाया, सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा नहीं उठाया, आईपीओ के माध्यम से भी पैसा उठाया, प्रेफरेंस इश्यू के माध्यम से भी पैसा उठाया, आईपीओ के भी माध्यम से पैसा उठाया, प्रेफरेंस इश्यू के माध्यम से भी पैसा उठाया, ठीक है ना, दैट इज क्लॉज नंबर 10। और क्या करा, सबके साथ फ्रॉड करा, क्या करा, सबके साथ फ्रॉड करा, क्या करा, सबके साथ फ्रॉड करा। अब ऐसा अंकित ने क्यों करा, ऐसा अंकित ने क्यों करा, किसके लिए करा? क्योंकि कंपनी में ना एक लड़की थी निधि, जिसे वो बहुत प्यार करता था, कंपनी में एक लड़की थी निधि जिससे वो बहुत प्यार करता था, और उसी निधि के साथ मिलकर इसने फ्रॉड करा है, उसी निधि के साथ इसने मिलकर फ्रॉड किया है, सारा प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ काम हुआ है, लोन्स लिया, बैंकों से पैसा लिया, फिर आईपीओ के माध्यम से पैसा लिया, प्रेफरेंस इश्यू के माध्यम से पैसा लिया, और सारा पैसा लेकर ये लोग अपने हनीमून ट्रिप में चले गए वर्ल्ड टूर बनाने के लिए, और सारा पैसा वहां मिसयूटिलाइज कर लिया, फ्रॉड कर लिया, ठीक है ना। ऐसा किस लिए किया सर? फ्रॉड किस लिए किया, किसके साथ किया? निधि के साथ किया, जो कि एक रिलेटेड पार्टी है, निधि के साथ किया जो कि एक रिलेटेड पार्टी है। तो ये क्लॉज 1 से 13 का अपना सिक्वेंस है, क्लॉज 1 से 13 का अपना सिक्वेंस है। पीआईएल मतलब पी से पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, आई से इन्वेंट्री, एल से लोन्स, एल से लोन्स, ठीक है ना, जो लोन्स वगैरह कंपनी ने दिया है एंड जो लोन डायरेक्टर्स वगैरह को दिया है, तो एल से 2 पॉइंट आएगा। फिर डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट क्लॉज नंबर 5, कॉस्ट रिकॉर्ड्स क्लॉज नंबर 6, स्टैचुरी ड्यूज क्लॉज नंबर 7, अनरिकॉर्डेड इनकम क्लॉज नंबर 8, डिफॉल्ट इन द लोन्स क्लॉज नंबर 9, आईपीओ एंड प्रेफरेंस इश्यू क्लॉज नंबर 10, फ्रॉड इज क्लॉज नंबर 11, निधि के साथ फ्रॉड करा क्लॉज नंबर 12, निधि कौन है, रिलेटेड पार्टी है, क्लॉज नंबर 13। अब क्लॉज नंबर 13 के बाद क्या करना है उसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले सर अगर हम लोग बात करें पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसके अंदर ऑडिटर को ना 5 assertions चेक करने हैं इन कारो 2020। ध्यान दीजिएगा मैंने वर्डिंग क्या यूज करा है, assertions चेक करने हैं, दिस इज द अप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजी टू बी यूज्ड, कि ऑडिटर को 5 assertions वेरीफाई करने हैं इन कारो 2020। अब एकदम लॉजिकल assertions है सर, कि सबसे पहले अपन एग्जामिन करेंगे प्रॉपर रिकॉर्ड, कि टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन है कि नहीं। उसके बाद एज अ ऑडिटर मेरे को वेरीफाई करना है एग्जिस्टेंस ऑफ पीपीई, और एग्जिस्टेंस कैसे वेरीफाई करूंगा, खुद फिजिकली जाऊंगा वेरीफाई करूंगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करूंगा, और अगर कोई मैटर डिस्क्रिपेंसी है तो उसके बारे में रिपोर्ट करूंगा। तीसरी चीज मैं देखूंगा ओनरशिप, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो मैं देखूंगा ओनरशिप, कि क्लाइंट के नाम पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है कि नहीं, टाइटल डीड्स क्लाइंट के नाम पे है कि नहीं है, और अगर क्लाइंट के नाम पे वो टाइटल डीड्स नहीं है सर तो किसके नाम पे है, प्रमोटर के नाम पे है, डायरेक्टर के नाम पे है, किसके नाम पे है, क्या वैल्यू है, क्या रीजन है, ये सारा कुछ देखेंगे। उसके बाद अगर पीपीई का रीवैल्युएशन हुआ है, क्या हुआ है सर, अगर उसके बाद पीपीई का रीवैल्युएशन हुआ है और अगर वो रीवैल्युएशन के अंदर जो चेंज निकल के आया है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ इच क्लास ऑफ पीपीई, याद रखिएगा ग्रॉस कैरिंग वैल्यू नहीं है, नेट कैरिंग वैल्यू है, और कितना चेंज है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ एग्रीगेट ऑफ नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ इच पीपीई है, तो उसके बारे में रिपोर्टिंग करनी है। एंड पांचवा, कंपनी का जो पीपीई है उसके अगेंस्ट कुछ बेनामी प्रॉपर्टी वगैरह का चार्ज है कि यार कंपनी बेनामी प्रॉपर्टी होल्ड करके बैठा है, तो एज पर द बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट 1988 कंप्लायंस वगैरह इंश्योर करेंगे। तो कुल मिलाकर सर पीपीई में ये 5 पॉइंट्स आ जाते हैं। उसके बाद अगला क्लॉज आता है इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री के अंदर सर लॉजिकल सा चीज है यार, अब इन्वेंट्री में इतना सारा पॉइंट्स नहीं आएगा, इन्वेंट्री में सिर्फ 2 पॉइंट्स आएगा, एक एग्जिस्टेंस आएगा, एक वर्किंग कैपिटल लिमिट आएगा, ठीक है। तो अपने को एज अ ऑडिटर इंश्योर करना है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री, जिसके लिए अपन करने वाले हैं फिजिकल वेरिफिकेशन, और फिजिकल वेरिफिकेशन में अगर मैटर डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है ग्रेटर देन इक्वल टू 10% तो अपने को रिपोर्ट करनी है।
सेकेंडली अपन देखेंगे वर्किंग कैपिटल लिमिट। तो कंपनियां नॉर्मली क्या करती है सर, अपने इन्वेंट्री के अगेंस्ट ना वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन करा लेती है। तो अगर कंपनी ने इन्वेंट्री के अगेंस्ट वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन कराया हुआ है जो कि 5 CR से ज्यादा है, तो क्वार्टरली बेसिस में उसका रिटर्न फाइल करना पड़ता है बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, एंड दैट इज व्हाट द ऑडिटर इज गोइंग टू इंश्योर। अब एक चीज और याद रखिएगा सर, जो हम इन्वेंट्री की बात करें, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री की बात करें, तो यहां पर ऐसे 501 भी लगेगा जो कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री की बात करता है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है करस्पॉन्डिंग वो नहीं लगेगा क्योंकि वो वैल्यूएशन की बात करता है। और कारो किस चीज की बात कर रहा है, फिजिकल वेरिफिकेशन की बात कर रहा है, एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है, वो वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहा है। उसके बाद आता है क्लॉज नंबर थ्री, उसके बाद आता है क्लॉज नंबर थ्री, इन्वेस्टमेंट्स गारंटी सिक्योरिटीज लोन फॉर एडवांसेस। अब याद रखिएगा सर, पुराने कारो 20 में ना सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 189 पार्टीज को कवर किया गया था, बट अब कारो 20 में व्हाट दे हैव डन इज दे हैव कवर्ड ऑल द पार्टीज, चाहे वो सेक्शन 189 पार्टीज हो, चाहे वो ग्रुप कंपनीज हो या फिर अदर देन ग्रुप कंपनीज हो। ग्रुप कंपनीज यानी ज्वाइंट वेंचर हो गया, सब्सिडरी हो गया, एसोसिएट हो गया, ये सारा हो गया, ठीक है। अब इस क्लॉज को ना दो हिस्सों में डिवाइड किया लॉ मेकर ने, एक ग्रुप कंपनीज यानी ज्वाइंट वेंचर सब्सिडरी एसोसिएट्स और एक अदर देन ग्रुप कंपनीज। अगर ज्वाइंट ग्रुप कंपनीज को लोन दिया गया है, ग्रुप कंपनीज के बिहाफ में गारंटी दी गई है, ग्रुप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट वगैरह किया गया है, तो सेक्शन 188 एंड 189 का कंप्लायंस आ जाएगा। एंड अदर देन ग्रुप कंपनीज की बात करें तो 188 189 नहीं आएगा, इन जनरल अजर्शंस चेक करने होंगे। और वो अजर्शंस कौन से होंगे सर, एकदम लॉजिकल सा चीज है कि भाई जो भी तुमने लोन वगैरह दिया है टर्म्स कंडीशंस प्रिजुडिशियल तो नहीं है, शेड्यूल ऑफ रिपेमेंट एंड प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट बराबर है कि नहीं है, पता चला कि भाई तुमने लोन देके छोड़ दिया, पैसा रिकवरी नहीं कर रहे हो, शेड्यूल ऑफ रिपेमेंट ही प्रॉपर नहीं है, है ना। और तीसरी चीज सर, अगर पैसा ओवर ड्यू है और वो जो टोटल अमाउंट ओवर ड्यू है वो 90 डेज से ज्यादा है, तो आपने क्या रिजनेबल स्टेप्स लिया है रिकवरी के लिए, क्या रिजनेबल स्टेप्स लिया है रिकवरी के लिए। उसके अलावा सर, अगर आपका लोन का रिपेमेंट ड्यू है, लोन का रिपेमेंट ड्यू है यानी कि अपन सोच रहे हैं कि पैसा आने ही वाला है, लेकिन पैसा रिकवर करने से पहले कंपनी ने क्या कर दिया सर, लोन को रिन्यू कर दिया, एक्सटेंड कर दिया या फ्रेश लोन दे दिए ड्यू डेट में, तो भैया एज ए ऑडिटर मैं रिपोर्ट करूंगा, इन परसेंटेज रिपोर्ट करूंगा कि आउट ऑफ द टोटल लोन आपने कितना परसेंटेज ऑफ लोन रिन्यू कर दिया, कितना एक्सटेंड कर दिया, कितना फ्रेश लोन्स दे दिया। एंड उसके अलावा आता है सर कि अगर कंपनी डिमांड लोन्स दे रही है अपने प्रमोटर्स को या रिलेटेड पार्टी को, अब डिमांड लोन्स का मतलब क्या होता है, जहां टर्म एंड रिपेमेंट पीरियड स्पेसिफाई नहीं होता, तो अपन परसेंटेज में स्पेसिफाई करेंगे कि आउट ऑफ द टोटल लोन्स कितना परसेंटेज ऑफ डिमांड लोन प्रमोटर्स रिलेटेड पार्टी को दिया है। और याद रखिएगा ये जो पार्टिकुलर क्लॉज है तब नहीं लगता है अगर उस कंपनी का प्रिंसिपल बिजनेस ही लोन देना है। क्लॉज नंबर फोर भी लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट की बात करता है, बट दिस पार्टिकुलरली टॉक्स अबाउट कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 185 एंड 186। अब सेक्शन 185 आपको पता है कि दैट टॉक्स अबाउट कि कंपनी डायरेक्टर को लोन दे सकता है कि नहीं दे सकता, और दे सकता है तो कौन कौन से कंडीशंस हैं। एंड सेक्शन 186 इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट की बात करता है कि इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट के केस में क्या क्या कंडीशंस हैं। तो क्लॉज फोर के अंदर ऑडिटर को क्या करना है सर, रिपोर्टिंग करनी है कि जो भी लोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटीज वगैरह दी गई है तो सेक्शन 185 186 का कंप्लायंस एंश्योर हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद क्या किया था सर, पब्लिक डिपॉजिट लिया था, पब्लिक से पैसे लिए थे, यानी हमारा जो डायरेक्टर है पापी डायरेक्टर है अंकित, अंकित ने क्या करा था, पहले पैसे रेस करे पब्लिक डिपॉजिट के माध्यम से, रेस करा, गवर्नमेंट का ड्यूज पे नहीं करा, देन बैंकों से लिया, देन आईपीओ के माध्यम से लिया, अलग अलग रास्ते से लिए। तो क्लॉज नंबर फाइव क्या सर, पब्लिक डिपॉजिट। अब जब भी पब्लिक डिपॉजिट की बात आती है अपने दिमाग में आना चाहिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि माई बाप है, जो कि सर्कुलर्स जारी करता है, डायरेक्शन देता है। तो एज ऑडिटर मैं रिपोर्ट करूंगा आरबीआई डायरेक्शन फॉलो हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरी चीज, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 73 से 76 एंड 76 ए लगते हैं विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक डिपॉजिट। तो एज ऑडिटर मैं देखूंगा कि सेक्शन 73 टू 76 एंड 76 ए को कंप्लायंस किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, दैट इज व्हाट एज ऑडिटर आई एम गोइंग टू चेक। उसके बाद आता है सर क्लॉज नंबर सिक्स, उसके बाद आता है सर क्लॉज नंबर सिक्स, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कि कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है कि नहीं, एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 148 सबसेक्शन 1। अब सेक्शन 148 सबसेक्शन 1 में अगर विजिट करें तो सेक्शन 148 सबसेक्शन 1 रेड विद कॉस्ट ऑडिट रूल्स कहता है कि हर एक कंपनी, चाहे वो रेगुलेटेड सेक्टर की हो चाहे वो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर की हो, जिसका भी ओवरऑल टर्नओवर 35 CR या उससे ज्यादा है, उनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना होता है। और एज अ स्टेट ऑडिटर हमारी जिम्मेदारी बनती है क्लॉज 6 ऑफ कारो 20 के तहत कि अपने को रिपोर्ट करना है कि भाई कॉस्ट रिकॉर्ड्स कंपनी ने प्रॉपर्ली मेंटेन करा कि नहीं करा। उसके बाद सर क्लॉज 7 आता है स्टैचुरी ड्यूज, स्टैचुरी ड्यूज यानी लॉफर ड्यूज। अब ये जो लॉफर ड्यूज है सर, या तो कंपनी का गवर्नमेंट की तरफ हो सकता है या एम्प्लॉय की तरफ हो सकता है, या तो डिस्प्यूटेड हो सकता है या अनडिस्प्यूटेड हो सकता है। अनडिस्प्यूटेड मतलब कंपनी खुद मानती है कि इतना मेरा लीगल ड्यूज बनता है जो कि अभी तक मैंने, राइट, इतना मेरा लीगल ड्यूज बनता है। और डिस्प्यूटेड मतलब जहां कंपनी मान नहीं रही है, एडमिट नहीं कर रही है, कोर्ट में कुछ मामला वगैरह चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है रिगार्डिंग दोज ड्यूज। तो अनडिस्प्यूटेड स्टैचुरी ड्यूज में अपन देखेंगे कि अरे भाई ये तो तुम खुद मान रहे हो ना, तुम खुद एडमिट कर रहे हो ना कि अनडिस्प्यूटेड है, तो इसका पेमेंट आपने रेगुलरली दिया कि नहीं दिया।
और अगर 6 महीने से ज्यादा का एरियर्स है, अगर 6 महीने से ज्यादा का एरियर्स है तो उसका रिपोर्टिंग करना है। और डिस्प्यूटेड स्टैच्यूटरी ड्यूज के केस में अपन बोलेंगे कि अगर भाई डिस्प्यूट चल रहा है कोई बात नहीं, तो कितना अमाउंट का डिस्प्यूट चल रहा है, किस फॉरम में डिस्प्यूट चल रहा है। एंड जब क्लॉज 7 की बात करेंगे सर, तो इसका कोरिलेशन याद रखिएगा ऐसे 250 के साथ होगा, कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन का जो स्टैंडर्ड है, एंड साथ ही साथ AS 29 के साथ होगा या फिर इंड AS 37 के साथ होगा, क्योंकि अगर स्टैच्यूटरी ड्यूज डिस्प्यूटेड भी है ना, तो कंपनी को प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बना के रखना पड़ेगा आगे के लिए, तो वहां पे AS 29 / IND AS 37 लग जाएगा कंपनी के ऊपर। उसके बाद आता है सर क्लॉज नंबर 8, दैट इज अनरिकॉर्डेड इनकम, क्लॉज नंबर 8 दैट इज अनरिकॉर्डेड इनकम। तो अपने को यहां पे ये रिपोर्ट करना है सर कि कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा तो नहीं है जिसको अपन ने बुक्स ऑफ अकाउंट में तो रिकॉर्ड नहीं कर रखा, बट इनकम टैक्स असेसमेंट के पर्पस के लिए अपन ने इनकम के फॉर्म में शो कर दिया, तो ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है तो उसके बारे में क्लॉज 8 में बताना है। अब क्लॉज नंबर 9, क्लॉज नंबर का 9 का नाम दे दीजिए विजय माल्या नीरव मोदी। क्या नाम दोगे? विजय माल्या नीरव मोदी। उन लोगों की वजह से ही ये क्लॉज आया है और ये क्लॉज नंबर 3 का ऑपोजिट है, ये क्लॉज नंबर 3 का ऑपोजिट है। क्लॉज नंबर 3 क्या था? कंपनी ने लोन दिया जिसका पैसा कंपनी को नहीं मिल रहा मे बी, एंड क्लॉज नंबर 9 क्या है? कंपनी ने लोन लिया और कंपनी उसका रिपेमेंट नहीं कर रहा। तो प्रैक्टिकली वो जो विजय माल्या का केस था, नीरव मोदी का केस था कि लोन लिया बैंकों से रिपे नहीं करा, और ऑडिटर भाई साहब को पूछते थे आप रिपोर्टिंग क्यों नहीं कर रहे, तो अपने ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। तो इसलिए यहां पे क्या कर दिया सर, कारो 20 के अंदर रिपोर्टिंग इम्पोज कर दिया कि अगर कंपनी ने कभी भी कोई लोन लिया है, बोरिंग लिया है बैंकों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या किसी भी लैंडर से, किसी भी लैंडर से, और वहां पे डिफॉल्ट किया है पेमेंट में, तो एज ए ऑडिटर मेरे को रिपोर्ट करना पड़ेगा नेम ऑफ द लैंडर, अमाउंट नॉट पेड, व्हाट इज द प्रिंसिपल इंटरेस्ट ड्यू, नंबर ऑफ डेज डिले, एवरीथिंग, और कहीं उस पर्टिकुलर एसएससी को विलफुल डिफॉल्टर तो डिक्लेयर नहीं किया गया है, राइट? जो टर्म लोन जिस पर्पस के लिए लिया था उसी पर्पस में यूटिलाइज किया जा रहा है कि नहीं, और इन लोगों ने जो फंडिंग ली थी वो अपने जॉइंट वेंचर सब्सिडरी एसोसिएट्स के ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए तो नहीं लिया था, क्योंकि काफी बार देखने को मिलता है यार कि वो जो सब्सिडरी होता है, जॉइंट वेंचर होता है, उनको खुद अपने नाम पे लोन नहीं मिल रहा होता, तो पेरेंट कंपनी क्या करती है, लोन लेकर उनका ऑब्लिगेशन पूरा करा देती है, तो कहीं वैसा तो नहीं है। तो इन सारी चीजों के बारे में सर अपन रिपोर्टिंग करेंगे। तो मिस्टर अंकित ने क्या करा, मिस्टर अंकित ने क्या करा था, अपनी कंपनी का फंडिंग कैसे करा था सर, बैंकों के थ्रू लिया था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू लिया था, लेकिन फिर भी जी नहीं भरा, फिर भी पैसों की कमी पड़ गई, तो आईपीओ भी रेज करवा के फंडिंग रेज करा, एफपीओ भी रेज करा कर फंडिंग रेज करा, और पब्लिक को बोला पैसा कहीं और लगाएंगे, लेकिन सारा पैसा लेकर चला गया वो अपने हनीमून ट्रिप में। कहां चला गया? हनीमून ट्रिप में चला गया। तो एप्लीकेशन ऑफ मनी रेज्ड बाय पब्लिक इशू एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, तो एज ऑडिटर मेरे को रिपोर्ट करना है सर कि अगर पैसा आईपीओ के माध्यम से रेज किया गया था तो उसी पर्पस के लिए अप्लाई किया गया या नहीं किया गया, अगर कंपनी ने कोई भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करा है या प्राइवेट प्लेसमेंट करा है, तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन कंपनी लॉ के दो सेक्शन लगते हैं, Section 42 एंड Section 62, तो इन दोनों सेक्शन का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है, जो भी अप्रूवल्स वगैरह चाहिए वो सारा लिया है या नहीं लिया है, यानी मैं कह सकता हूं मिस्टर अंकित ने क्या किया, फ्रॉड किया। तो क्लॉज नंबर 11 क्या है? फ्रॉड है। तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना है सर कि कोई भी फ्रॉड कंपनी ने अगर किया है या कोई भी फ्रॉड कंपनी के साथ हुआ है तो उस चीज के बारे में ऑडिटर को रिपोर्ट करना है। उसके अलावा अगर 143 सबसेक्शन 12 के रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए ऑडिटर ने सीजी को किसी फ्रॉड का इंटीमेशन दिया है इन 84, तो उसके बारे में भी ऑडिटर को यहां पे बताना है। और तीसरी चीज, अगर कोई विसल ब्लोअर कंप्लेन ऑडिटर को मिला है पूरे साल भर में, तो ऑडिटर को यह भी रिपोर्ट करना है कि उसने विसल ब्लोअर के कंप्लेन को कंसिडर किया कि नहीं किया। अब विसल ब्लोअर्स कौन होते हैं सर? कंपनी के अंदर ही काम करने वाले लोग होते हैं जो कंपनी का भांडा फोड़ देते हैं, कंपनी में क्या गलत हो रहा है उस चीज को डिस्क्लोज कर देते हैं, बता देते हैं, तो विसल ब्लोअर्स के कंप्लेन को ऑडिटर्स ने कंसिडर किया कि नहीं किया यह भी बताना होगा। एंड अगर फ्रॉड की बात करें सर, तो ऐसे 240 भी लगेगा जो अपना प्यारा सा स्टैंडर्ड है, कंसिडरेशन ऑफ फ्रॉड्स, राइट? ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद रिलेशन टू फ्रॉड्स। अब ऐसा अंकित ने क्यों किया, किसके लिए किया, किसके साथ किया? निधि के साथ मिलकर किया। निधि के साथ मिलकर किया, क्या किया सर? निधि के साथ मिलकर किया। पब्लिक को बोला पैसा प्रोजेक्ट में लगाएंगे, लेकिन पैसा लगा दिया अपने हनीमून ट्रिप में। तो क्लॉज नंबर 12 आता है सर, निधि कंपनीज आता है। क्या आता है सर? निधि कंपनीज आता है, ठीक है ना। अब निधि कंपनीज के रिस्पेक्ट में ऑडिटर को क्या रिपोर्ट करना है कि नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट के केस में 1:20 का रेशियो मेंटेन्ड है कि नहीं है, 1:20 का रेशियो मेंटेन्ड है कि नहीं है, और दूसरा निधि कंपनी एटलीस्ट 10% अनअकम्बल टर्म डिपॉजिट्स मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्या कर रहा है सर? निधि कंपनी एटलीस्ट 10% अनअकम्बल टर्म डिपॉजिट्स मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा। भाई वीडियो को लाइक कर दो यार फटाफट, लाइक करने में काहे कंजूसी करते हो। अब देखना निधि कौन है, रिलेटेड पार्टी है। निधि कौन है सर? रिलेटेड पार्टी है। निधि कौन है? रिलेटेड पार्टी है। या आप ऐसा भी याद कर सकते हो कि अंकित कहां गया था? हनीमून में गया था। किसके साथ गया था? निधि के साथ गया था। निधि अब हनीमून में उन्होंने क्या किया सोच लो तुम भाई।
हनीमून में उन्होंने क्या क्या सोच लो कि आगे कौन आ गया लाइफ में, रिलेटेड पार्टी आ गया, तो ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। तब आओ ऑडिटर को रिपोर्ट करना है सर कि अगर कंपनी ने कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एंटर करा है तो सेक्शन 177 एंड 188 का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं, एंड AS 18/IND AS 24 के अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर हुआ है कि नहीं। ठीक है, अब वो जो रिलेटेड पार्टी आया ना, उसको इंटरनल ऑडिटर बनना था। क्या बनना था? इंटरनल ऑडिटर बनना था। तो अगला क्लॉज क्या है? इंटरनल ऑडिट का क्लॉज है। अगला क्लॉज क्या है? इंटरनल ऑडिट का क्लॉज है। तो क्लॉज नंबर 14 क्या है सर? इंटरनल ऑडिट सिस्टम के ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि कंपनी का एडिक्वेट इंटरनल ऑडिट सिस्टम है कि नहीं है, और इंटरनल ऑडिटर के रिपोर्ट को स्टैट ऑडिटर कंसिडर भी करता है कि नहीं करता है। इंटरनल ऑडिटर्स के रिपोर्ट को स्टैट ऑडिटर कंसिडर भी करता है कि नहीं करता है। अब इंटरनल ऑडिटर भाई साहब ने क्या देखा? इंटरनल ऑडिटर भाई साहब ने यह देखा कि कंपनी में बहुत सारे नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। इंटरनल ऑडिटर भाई साहब ने यह देखा कि कंपनी में बहुत सारे नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो रहे हैं जिसके लिए सेक्शन 192 को कंप्लाई नहीं किया जा रहा। और आप सब जानते हो कि भाई कभी भी अगर कंपनी कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन एंटर करती है तो उसके लिए सेक्शन 192 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 को कंप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्लॉज 15 तक का फ्लो है, ये क्लॉज 15 तक का फ्लो है। अब देखना, तुम खाली इतना याद रखना सर, तुम खाली इतना याद रखना कि वो जो डायरेक्टर था अंकित, हमारा जो डायरेक्टर था, निधि के साथ मिलकर सारा कांड किया, वो हुआ, सारा कुछ हुआ, क्लॉज नंबर 15 तक पहुंचे अपन। ठीक है, अब 16 तारीख को फाइनली अब उसने सोचा क्या करें, सारे पैसों का क्या करें। तो 16 तारीख को उसने क्या करा, याद रखना, 16 तारीख, 16, 16 तारीख को उसने सारा पैसा लगाकर एक एनबीएफसी बना दी। क्या करा सर? एनबीएफसी बना दी। तो याद रखना क्लॉज नंबर 16 फॉर एनबीएफसी। ठीक है, तो अब अपने को यह देखना है कि जो एनबीएफसी है वो आरबीआई एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है कि नहीं है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑप्टेन करा है कि नहीं, आरबीआई एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है कि नहीं, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑप्टेन करा है कि नहीं। और अगर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, अगर वो जो एनबीएफसी है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो उसका सारा क्राइटेरिया फुलफिल करा है या नहीं करा है। लेकिन अब जो एनबीएफसी खोला 16 तारीख को, उसमें क्या हो गया सर? कैश लॉसेस हो गया। क्या हो गया सर? कैश लॉसेस हो गया। अरे भाई, तुम इतना गलत गलत काम करोगे, लोगों को ठगोगे, इस तरीके से पैसे लोगे, तो तुमको लॉसेस ही होगा। तो क्लॉज नंबर 17 क्या है? कैश लॉसेस है। तो अगेन ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि अगर कंपनी ने कैश लॉसेस इंकर किया है इन द फाइनेंशियल ईयर एंड इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो कितने अमाउंट का कैश लॉसेस इंकर किया है, कितने अमाउंट का सर कैश लॉसेस इंकर किया है। ठीक है, अब सर कैश लॉसेस क्या हुआ कि ऑडिटर्स भी छोड़ के चले गए, ऑडिटर्स भी रिजाइन करके चले गए, क्योंकि अरे भैया सबको क्या चाहिए? अपना रेमुनरेशन चाहिए। ठीक है ना, तो हालत बहुत बुरी है कंपनी की, ऑडिटर्स भी छोड़ के चले गए। तो स्टैट ऑडिटर्स को रिपोर्ट करना है कि सर अगर स्टैट ऑडिटर्स ने अगर वहां पे स्टैट ऑडिटर्स ने रिजाइन किया है, पुराने ऑडिटर्स ने रिजाइन किया है, तो अपने को उनको ऑब्जेक्शन कंसिडर करना है। तो वी हैव टू रिपोर्ट वेदर वी हैव कंसिडर्ड द ऑब्जेक्शन ऑफ द ऑडिटर जो रेजिग्नेशन देखे गए हैं। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं सर कंपनी की हालत बहुत खराब है सर, कैश लॉसेस हो रहा है सर, 16 तारीख को एनबीएफसी खोला था, 17 तारीख को कैश, फिर कैश लॉसेस होना शुरू हो गया, ऑडिटर्स छोड़ के चले गए, यानी कि कंपनी की हालत बहुत खस्ता है, बहुत खस्ता है, कंपनी का गोइंग कंसर्न खतरे में है, कंपनी का गोइंग कंसर्न खतरे में है। ठीक है ना, तो क्लॉज नंबर 19 दैट इज गोइंग कंसर्न। अब एज ऑडिटर मेरे को रिपोर्ट करना है सर कंपनी का गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है कि नहीं। तो असेसिंग द फाइनेंशियल रेशियोज, असेसिंग द फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल लायबिलिटीज, आई हैव टू रिपोर्ट कि कंपनी का गोइंग कंसर्न बराबर है कि नहीं है, कंपनी का गोइंग कंसर्न बराबर है कि नहीं है। तो ये क्या हो गया सर? क्लॉज नंबर 19 हो गया। अब कंपनी का गोइंग कंसर्न तक खतरे में है भैया, कंपनी का गोइंग कंसर्न तक खतरे में है। तो सोच के देखो, जो कंपनी ने एक सीएसआर को लेकर वादा किया था, कंपनी ने एक सीएसआर को लेकर वादा किया था सेक्शन 135 में कि एवरेज 2% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स मैं सीएसआर में खर्चा करूंगा। लेकिन सोचो वो वादा पूरा हुआ होगा क्या? नहीं हुआ होगा, क्योंकि कंपनी का गोइंग कंसर्न ही खतरे में है। तो क्लॉज नंबर 20 इज अनस्पेंट सीएसआर अमाउंट। तो कभी कभी क्या होता है सर, सीएसआर का जो पैसा होता है ना, अपन अलग से एक फंड में डालते हैं। अब जो सीएसआर का पैसा होता है ना, मान लो अपने जो एक पार्टिकुलर प्रोजेक्ट है वो चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, एक जो पार्टिकुलर प्रोजेक्ट है वो चल रहा है, एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। अब जो सीएसआर का पैसा है ना, वो स्पेंट नहीं हुआ। क्या हुआ सर? सीएसआर का पैसा स्पेंट नहीं हुआ, अनस्पेंट है। कुछ टाइम बाद स्पेंट होगा, मैं भी 2 महीने बाद स्पेंट होगा, मैं भी 3-4 महीने बाद स्पेंट होगा। ठीक है, एक तो वो वाला सिस्टम है, और दूसरा नॉर्मली अनस्पेंट है, दूसरा नॉर्मली अनस्पेंट है। एक सिचुएशन हो गया सर कि सीएसआर का पैसा अनस्पेंट है, और दूसरा सिचुएशन हो गया कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, पैसा लगेगा लेकिन 3-4 महीने बाद लगेगा। तो भाई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, पैसा लगेगा 3-4 महीने बाद लगेगा, तब तो ठीक है। लेकिन यार नॉर्मली अगर वो पैसा अनस्पेंट है, ठीक है, सो इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन लॉ मेकर कहता है कि उस पार्टिकुलर पैसे को आप एक फंड में डालिए जिसका नाम शेड्यूल जिसका जिसका जिक्र शेड्यूल 7 में किया गया है, विद इन 6 मंथ्स ऑफ एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना है सर कि कंपनी ने अनस्पेंट सीएसआर अमाउंट उस पार्टिकुलर फंड में डाला या नहीं डाला है। और फाइनली सर क्लॉज नंबर 21 आता है, फाइनली क्लॉज नंबर 21 आता है कि अगर अपना किसी कॉम्पोनेंट का ऑडिटर ने,
अगर किसी अपने कंपोनेंट को ऑडिटर ने क्या करा है सर, कोई भी क्वालिफिकेशन रिमार्क दिया है या एडवर्स रिमार्क दिया है उनके कारो रिपोर्ट में, तो अपने को भी उस चीज का जिक्र अपने कारो रिपोर्ट में देना होगा विद द पैरा नंबर कि कंपोनेंट के ऑडिटर ने क्या करा है सर, एडवर्स रिमार्क दिया है। कंपोनेंट के ऑडिटर ने क्या करा है सर, एडवर्स रिमार्क दिया है। तो ये क्या हो गया सर, अपना 21 क्लॉजेस हो गया। तो सबसे पहले कंपनी का अगेंस्ट एफआईआर फाइल करा था, ठीक है ना, एफआईआर फाइल करा था। एफआईआर किस चीज के लिए फाइल करा था सर, व्हाट वाज द रीजन, कि कंपनी क्या कर रही है, डिपॉजिट ले रही है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर रही है, स्टैट ड्यूज पे नहीं कर रही है, इनकम्स को रिकॉर्ड नहीं कर रही है। फिर शुरू हुआ लोन का सिलसिला क्लॉज 9 से। लोन लिया, पैसा नहीं दिया, आईपीओ के माध्यम से पैसा लिया नहीं दिया, फ्रॉड किया, निधि कंपनी के साथ किया, रिलेटेड पार्टी पैदा किया जो कि इंटरनल ऑडिटर था, और इंटरनल ऑडिटर ने क्या पाया, नॉन कैश ट्रांजेक्शन पाया, क्लॉज 15 खत्म। और फिर 16 तारीख को एनबीएफसी खोला, फिर एक नई कहानी से चालू होती है कि सर फिर उसके बाद कैश लॉसेज आ गए, ठीक है ना, ऑडिटर्स रिजाइन करके चले गए, फिर गोइंग कंसर्न खतरे में आ गया, सीएसआर का पैसा भी अनस्पेंट रह गया, एंड फिर फाइनली क्लॉज नंबर 21। तो ये सारा। इसके अलावा सर एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर कारो 20 का जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अच्छा कीजिएगा, जैसे कि आप थोड़ा रेफर कीजिएगा कि भाई कौन सा पार्टिकुलर क्लॉज नंबर है, कौन सा पैरा नंबर है, देन कौन सा सेक्शन में कारो प्रिस्क्राइब हुआ है, ये सारी बातें मेंशन कीजिएगा। तो उससे आंसर आपका क्या होगा, थोड़ा सा इंप्रेसिव होगा, उससे आपका आंसर थोड़ा सा अच्छा रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लॉज फ्रॉड वाले क्लॉज के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो एज पर क्लॉज 11 ऑफ पैरा 3 ऑफ कारो 20 प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 11 ऑफ चैप्टर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, दिस इज व्हाट द क्लॉज सेज। तो उस तरीके से सर वहां पे आंसर को ड्राफ्ट कीजिएगा, क्या होगा उससे आपका आंसर जो होगा बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होगा। क्लियर है? सो अगेन भाई अपन ने आज क्या करा है सर, कारो 20 का जो टॉपिक है वो रिवाइज करा है। उम्मीद करता हूं कि भाई ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। वीडियो को लाइक करो यार, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में मेंशन करो अगला रिवीजन कौन सा चाहिए, कमेंट में मेंशन करो कि अगला रिवीजन कौन सा चाहिए। एंड अगर तुमको वाकई लगता है ना कि इस रिवीजन वीडियो से तुम्हारा बेनिफिट हुआ है, तो जितना हो सके उतना ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उनका भी भला हो सके।